क्षणिक चरित्र में आचार्य शिवचंद्र ने राजा उपश्रेणिक की चिंता का प्रकरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है, कि उन्होंने जब देखा कि मेरा वह पुत्र जो चिल्लाती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध रहा और जो भिल्ल राज यमदंड की पुत्री तिलकावती का पुत्र था, उसमें एक भी लक्षण राजा बनने की नहीं है, और चूंकि वो स्वयं वचनबद्ध थे कि मैं राज्यभार इसी को दूंगा, भिल्लराज होते हुए भी यमदंड मूलतः क्षत्रिय थे ऐसा भी इसमें उल्लेख है, पर संगति से मनुष्य कहीं से कहीं पहुंच जाता है। फिर चिंतित राजा ने एक निमित्त ज्ञानी को, आज की भाषा में एक ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि मेरे अनेक पुत्रों में से राजा कौन बनेगा। उसने अपने योग और गणित जोड़कर मगध सम्राट राजगृह के अधीश राजा उपश्रेणिक से कहा कि आप 5 परीक्षाएं लीजिए, उन 5ों में जो उत्तीर्ण हो जाए उसे भावी सम्राट जानिए। 5 परीक्षाओं में पहला क्रमांक, वो कहते हैं कि आप अपने पुत्रों को नगरी के सिंह द्वार पर एक शर्करा से भरा हुआ घड़ा ले जाने को कही है। आपका जो पुत्र उस घड़े को स्वयं न ले जाकर किसी सेवक के माध्यम से वहां तक ले जाएगा वो राजा होगा। दूसरी परीक्षा यह है कि आप अपने सभी पुत्रों को नए घड़े दे दीजिए और उसमें ओस का जल भर कर लाने को कहिए, जो भर कर ले आए वो राजा बनेगा।
तीसरी परीक्षा कि सब पुत्रों को कुछ समय भूखा रखकर स्वादिष्ट व्यंजन परोसिए। जब वो खाने में तल्लीन हो तब आपके भयंकर दाढ़ों वाले शिकारी कुत्तों को उन पर छोड़ दीजिए। जो उस उपद्रव में भी निर्द्वंद्व होकर भोजन संपन्न कर लेगा वो मगध सम्राट बनेगा। चौथी परीक्षा यह है कि जिस दिन आपके नगर में आग लगेगी तब आपका जो पुत्र छत्र सिंहासन लेकर के राजमहल से बाहर भागेगा वही राजा बनेगा। और अंतिम परीक्षा यह है कि आप पिटारों में, आज की भाषा में कह सकते हैं बक्सों में, जैसे मिठाइयों के बॉक्सेस आते हैं, लड्डू खाजे वगैरह भर करके रख देना और अपने सब भूखे पुत्रों को भिजवा देना, साथ में मुंह बंद किए हुए घड़ों में शीतल मधुर सुस्वादु जल भी भिजवा देना। आपका जो पुत्र भोजन और पानी को बक्से और घड़े खोले बिना खा पी लेगा वो राजा बनेगा। ये पांचों कार्य एक राजकुमार ने संपन्न कर दिए, पर वो राजकुमार राजा ने जिसके लिए वचन दिया था राजा बनाने का वो नहीं था। इसलिए राजा अत्यंत चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। अब इन पांच परीक्षाओं को उस एक राजकुमार ने कैसे उत्तीर्ण किया उसका भी विवरण शास्त्र में है। श्रेणिक चरित्र के तीसरे सर्ग में आचार्य शुभचंद्र स्वामी लिखते हैं कि घड़ा लेकर सिंह द्वार तक जाना तो एक छोटी परीक्षा थी, पर उस परीक्षा में राजा की महारानी इंद्राणी के पुत्र श्रेणिक ने उत्तीर्णता प्राप्त की। उसने एक अन्य सेवक के सिर पर घड़े को रखवाकर उसके पीछे खेलते हुए सिंह द्वार में प्रवेश किया, वहां तक चला गया। फिर दूसरी परीक्षा में ओस लाने को कहा था तो सारे राजकुमार सवेरे सवेरे गीली घास के पास चले गए, लेकिन नए घड़े में वो ओस भर न सके। पर राजकुमार श्रेणिक ने जहां तहां गीली घास पर पतले वस्त्र बिछवा दिए और उसके बाद उन वस्त्रों को लेकर घड़े में निचोड़ दिया और उससे घड़ा भर गया। इसके बाद वाली परीक्षा में राजा ने सबको कुछ समय भूखा रख करके स्वादिष्ट भोजन करने को कहा और फिर बीच में अपने कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते भी भूखे थे, राजकुमार तो भोजन में
मग्न थे, पर कुत्ते जो खूंखार कुत्ते थे उनकी ओर झपटे, तो फिर भोजन के कारण वो गुर्राने लगे और राजकुमार घबरा गए। सारे राजकुमार तितर बितर हो गए, लेकिन श्रेणिक ज्यों ही कोई कुत्ता उसकी तरफ आता तो अपने पास में दूसरे राजकुमारों के जो भोजन के पत्तल थे उनको कुत्तों के सामने सरका देता और स्वयं निर्द्वंद भोजन करता रहा और फिर वहां से उठ करके बाहर आया। चौथी परीक्षा ये हुई कि जब नगर में आग लगी तब श्रेणिक ही सिंहासन छत्र और चंवर आदि पदार्थों की रक्षा करके वहां से निकला, बाकी अपने अपने प्रिय वस्तुओं को लेकर के चले गए। और अंतिम परीक्षा में न जाने क्यों उन डब्बों में से और उन बंद जल के घड़ों में से श्रेणिक ने खोले बिना दबा दबा कर डब्बे के अंदर के लड्डू और खाजों को बारीक कर दिया और फिर ऐसे हिला हिला करके उसको बाहर निकाल निकाल कर खाया और अपनी क्षुधा का निवारण किया। और पानी को भी उस घड़े को हिला हिला कर अपने ढंग से बाहर निकाल कर पिया, लेकिन उसके ऊपर जो बंद था वस्त्र बांधा गया था उसकी डोर को नहीं खोला। अब इन पांचों परीक्षाओं में जब राजा श्रेणिक, राजा उपश्रेणिक का पुत्र श्रेणिक उत्तीर्ण हुआ तब राजा बड़े चिंतित थे और उनकी चिंता का निवारण करने के लिए मंत्री ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं श्रेणिक को कुछ समय के लिए यहाँ से अलग किए देता हूँ, आप चिंता मत करना, वो पुण्यशाली है, भाग्यशाली है और इन पांच परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के कारण वो भावी सम्राट भी है, इसलिए उसके विषय में आप चिंतित नहीं होना, मैं उसको यहाँ से राजगृह से बाहर भेजता हूँ। राजा को दुख तो बहुत था कि इतना प्रिय पुत्र है और ये मंत्री इसको भेज देगा, पर क्या कर सकते थे, वचन निभाने के लिए राजा को बहुत कुछ करना पड़ जाता है। फिर ऐसी स्थिति में मंत्री ने जाकर राजकुमार से कहा कि राजा जिस पर रुष्ट होते हैं उसके जीवन की शांति भंग हो जाती है और आपसे जो त्रुटि हो गई है उसके बाद आप यहां सुरक्षित नहीं हैं, मैं आपका हितैषी हूं इसलिए आपसे अलग से मिलकर ये बात कर रहा हूं, आपको मुझ पर विश्वास हो तो विचार कर लो। तो श्रेणिक पूछता है कि मंत्रीवर मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या त्रुटि हो गई जिससे मुझ पर महाराज नाराज है। तब वो बोले कि कभी भी कोई राजपुत्र जानवरों के साथ भोजन नहीं करते। श्रेणिक को याद आ जाता है कि ओहो ये तो बड़ी भूल हो गई मेरी, उस दिन मैं भोजन कर रहा था और फिर यहां सब कुत्ते आ गए तो मैंने अपने भाइयों के थाल उनके सामने कर दिए और स्वयं भोजन करता रहा, वो भी खाते रहे मैं भी खाता रहा। मंत्री की ओर देखकर पूछते हैं कि हे हितेशिन अब मैं क्या करूं। बोले कि आप राजगृह से कहीं अन्यत्र चले जाओ, फिर समय आने पर मैं स्वयं आपको यहां वापस राजगृह बुलाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। तब श्रेणिक तैयार हो जाते हैं और फिर राजगृह छोड़ करके निकल जाते हैं। आज की भाषा में कह सकते थे कि बड़े एडवेंचरस होते थे उस समय के बड़े बड़े लोग, साहसी होते थे और बड़े से बड़ी घटना को
बहुत बड़ा न समझकर मन में यही सोचते थे कि इससे भी बड़ी घटनाएं होती होंगी। चलो राजमहल छोड़ना पड़ रहा है, चले जाते हैं, क्या दिक्कत है। और वो चले जाते थे, तो ये भी चले गए। और चले जाने पर जब अकेले चले जा रहे थे, प्यास लगी, तो वहां पर रास्ते में एक नंदी ग्राम था, वहां के ब्राह्मणों से उसने पानी मांगा। लेकिन वो ब्राह्मण पूछते हैं कि तुम कौन हो? बोले कि मैं एक क्षत्रिय कुमार हूं। उसने स्पष्ट नहीं किया कि मैं कौन हूं। अगर वो कहता कि मैं राजकुमार हूं, तो फिर कौन विश्वास करता कि कोई राजकुमार ऐसे अकेले घूमता है क्या? और साधारण कपड़े बदल करके ही वो निकला था, राजकीय पोशाक उसके पास थी नहीं, राजकुमार के कपड़े पहन करके नहीं निकला था। तो फिर उन्होंने उसको पानी नहीं पिलाया, तो क्षणिक के मन में बड़ा रंज हुआ। उसने विचार किया कि आज ये मुझे नहीं जानते और मेरे साथ ऐसी बदसलूकी का बर्ताव कर रहे हैं, समय आने पर इनको सबक सिखाऊंगा। और वहां से आगे निकल जाता है, तो फिर एक आश्रम मिलता है। उस आश्रम के जो सन्यासी थे वो समझ जाते हैं, जो भिक्षु थे वो समझ जाते हैं कि ये तो कोई अच्छे चिन्हों वाला बालक है, कुमार है कहना चाहिए, क्योंकि वो बाल्यावस्था में भी नहीं थे और एकदम युवावस्था भी नहीं थी उनकी, किशोरावस्था थी उनकी उस समय। और तब उन्होंने उनकी बड़ी आवभगत की और क्षणिक बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उनका धर्म भी सीख लिया और इसके बाद आगे बढ़ गए। फिर ये घटना आगे चलती है। क्षणिक का एक वैश्य पुत्री नंदश्री के साथ विवाह होता है और उससे एक अभय कुमार नामक पुत्र जन्म लेता है। और जब वहां का वातावरण, राजगृह का वातावरण बदलता है, राजा उपश्रणिक अपना राज्य चिलाती को देता है, तब चिलाती के माध्यम से अराजकता फैल जाती है और प्रजा में त्राही त्राही मच जाती है। तब मंत्री को श्रेणिक की याद आती है और श्रेणिक के पास दूत भेज करके श्रेणिक से कहते हैं कि आप आ जाओ। श्रेणिक नंदश्री से कहते हैं कि मैं वहां जाता हूं, आवश्यक कार्य है, फिर आपको बुला लूंगा। नंदश्री बोलती है कि मैं प्रतीक्षा करूंगी स्वामी, बालक बहुत छोटा है, आप अवश्य स्मरण रखना, व्यस्तता में हमें विस्मृत मत कर देना। श्रेणिक कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, और वहां से चला जाता है। वहां जाकर के श्रेणिक अपने बुद्धि बल से और बाहुबल से चिलाती को परास्त करके राजा बन जाता है और चिलाती नगर छोड़कर डाकुओं का मार्ग अंगीकार कर लेता है। ब्रह्मचर्य की चर्चा में एक ऐसा अद्भुत दृष्टांत है कि इसका अंत सुनते ही मन अचंभित रह जाता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।